एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है। निर्माता और इसलिए आपकी जो आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले सास की सेवक है, आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। ये दायित्व बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है मित्रों, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं गुरु हूं और मुझे आने वाले भारत के लिए, जिसके बारे में भी इंदर जी ने बताया, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध भारत, उसके लिए अच्छा मध्य प्रदेश, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे माटी के लौंदे होते हैं, जैसा चाहो बचपन में गढ़ दो। और इसलिए स्कूल की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक पत्थर तोड़ना और भाव तीन, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है, मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा, सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाएगी। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और आपके हाथों अगर कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथों ये पवित्र काम हुआ है। आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता, दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं कर सकते। और इसलिए कई बार मैं पढ़ने मचल उठता है मेरा मन पढ़ाने, और अब भी जब मौका मिलेगा तो आप कहोगे तो पढ़ाने में भी आ जाऊंगा कभी कभी। अद्भुत काम है। और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आपको यहां बता रहे थे शिक्षा मंत्री कि हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे।